नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक पर्सनल लोन ले रहे हैं? पर्सनल लोन तो ऐसा शब्द है सर कि जिससे आप सभी वाकिफ हैं और बहुत सारे लोग पर्सनल लोन लेते भी रहते हैं। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया सर कि मैं जनता जनार्दन में जब टैक्स की अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ या इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ या फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज जो चल रही हैं उनमें भी मैं क्या सार्थक योगदान कर सकता हूं। तो मेरा यहां पर पर्सनल लोन का इस टॉपिक पर कि क्या आप एक पर्सनल लोन ले रहे हैं, इस विषय पर वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि मैं हो सके तो आपको हतोत्साहित कर सकूं कि आप पर्सनल लोन ना लें। आप बोलेंगे भाटिया जी कैसी बात कर रहे हैं सर। देखिए, मुझे लगता है सर कि पर्सनल लोन में कुछ सिग्निफिकेंट नेगेटिव फीचर्स हैं और उन नेगेटिव फीचर्स का ध्यान अगर आपको नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने वो नेगेटिव फीचर्स लेकर के आऊं कि ऐसे क्या नेगेटिव फीचर्स हैं जिनको अगर एक बोरोअर यानी जो व्यक्ति लोन ले रहा है वो ध्यान रखे तो जनरली वो पर्सनल लोन लेने से मना कर देंगे या पर्सनल लोन नहीं लेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ में इन दो पक्षों पर बात करेंगे कि पर्सनल लोन लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं, और इसके साथ साथ इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से इस प्रश्न पर भी आपसे चर्चा करूंगा कि पर्सनल लोन के लिए आपने जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया क्या उसका डिडक्शन आप इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं यानी अपनी टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन में ले सकते हैं या नहीं। तो चलिए इसी डिस्कशन को लेकर के आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि मैं आपके सामने कुछ नेगेटिव फीचर्स या पर्सनल लोन के फीचर्स ही रखता हूं कि आपको समझ में आए कि एज अ बोरोअर जब आप कोई लोन लेने जा रहे हैं, आप कर्जदार बनने जा रहे हैं और आपने पर्सनल लोन के बारे में भी विचार किया तो ऐसे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप क्लियर हो कि हाँ साहब, मैं पर्सनल लोन ले रहा हूं तो मैंने इन पॉइंट्स को विचार रख लिया है, समझ लिया है। ऊंची ब्याज दर क्यों सर? दो तरीके के लोन होते हैं सर, एक अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन यानी आपने अपनी मकान संपत्ति बंधक रखी, उसके अगेंस्ट में लोन ले लिया, किसी वजह से आप नहीं चुका पाए तो सामने वाला जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पैसा दिया वो संपत्ति से भी वसूली कर सकता है, यानी उसके पास एक सिक्योरिटी है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन वो लोन है सर जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो रिस्क ज्यादा है। हायर द रिस्क हायर इज द रिटर्न, ये थंब रूल है। तो जब सामने वाला आपको अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है यानी आप नहीं चुका पाए किसी परिस्थिति में, तो सामने वाले के पास कोई संपत्ति की बैकिंग नहीं है तो आपसे ज्यादा ब्याज ले। हमारे भारतवर्ष में तो सर अनसिक्योर्ड लोन यानी पर्सनल लोन 24% 36% तक की रेटों पर भी आते हैं। और मेरा ये भी सजेशन है कि आप जब बैंक के साथ में एक पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, हालांकि यहां आपकी सिविल स्कोर भी काम करती है, लेकिन आपको भी नेगोशिएट करना चाहिए टू द एक्सटेंट उस रेट को मिनिमम ला सके, क्योंकि जितनी इंटरेस्ट रेट ज्यादा उतना ही आपके लिए पर्सनल लोन भविष्य में नुकसानदायक होगा। कम समय अवधि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सर पर्सनल लोन का। एक होम लोन भारतवर्ष में एवरेज 15 से 20 साल और आजकल तो 25 साल तक के लिए भी लिया जाता है, तो किस्त की अमाउंट बहुत कम हो जाती है जो इंस्टॉलमेंट आप पे करते हैं। लेकिन पर्सनल लोन सर 36 महीने से लेकर 60 महीने तक के हो सकते हैं, शायद इसके आसपास और कुछ महीने बढ़ जाए, लेकिन क्योंकि टेन्योर कम है तो फाइनली आपकी किस्त की राशि बढ़ जाएगी क्योंकि सामने वाले को प्रिंसिपल का भी मोटा अमाउंट आपसे रिकवर करना है। तो होता क्या है सर कि अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आपकी इनकम का फ्लो रेगुलर नहीं और आप एक पर्सनल लोन ले रहे हैं तो क्योंकि उसका टेन्योर कम है तो आप पर फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा पड़ने वाला है, तो वो आपके बिजनेस की वायबिलिटी को भी इंपैक्ट कर सकता है। साथ ही ऊंची प्रारंभिक प्रोसेसिंग फीस, जब हम पर्सनल लोन लेने जाते हैं सर तो मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव है, हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझसे ताल्लुक ना रखें, लेकिन हमारे यहां पर 0.5% से 2% 3% तक की भी इनिशियल प्रोसेसिंग फीस सर ली जाती है। मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर यहां पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन भारतवर्ष में पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक यानी जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है लेकिन जिसके पास में साधन सबसे कम है उस तक जब कोई राशि पहुंचती है और लेंडिंग के रूप में पहुंचती है तो सर हम उन रेटों पर जिन पर आप और मैं विश्वास नहीं कर सकते उन रेटों पर पैसा पहुंचता है, यानी इतना महंगा ब्याज होता है। और जो प्रोसेसिंग फीस भी दोस्तों लगती है पर्सनल लोन पर, अगर आप उसे अपने टोटल ब्याज की फलावट में लेकर के आएंगे कैलकुलेशन में तो यू विल फाइंड कि योर अल्टीमेट इंटरेस्ट रेट हैज बीन टू एग्जॉर्बिटेंट और टू हाई।
ऊंची प्रारंभिक प्रोसेसिंग फीस भी सर पर्सनल लोन का एक नेगेटिव फीचर है। मेरा यहां पर तात्पर्य है कि मैं आपके ध्यान में ये बात लेकर के आऊं, अधिक डिफॉल्ट संभावना। मैंने अभी आपसे बोला सर कि आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आपका पीरियड लोन का शॉर्टर है, आपकी इस वजह से ईएमआई ज्यादा है, तो डिफॉल्ट की संभावना ज्यादा है। डिफॉल्ट होने का मतलब है सर सिविल पर इंपैक्ट आना, यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष आपको ध्यान रखना होगा। ऊंचे पूर्व भुगतान चार्जेस, पूर्व भुगतान यानी प्री पेमेंट चार्ज। क्या होता है सर, आपने 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, 1 लाख अभी तक 24 महीने की किस्त में या 36 महीने में चुकाया, अभी 1 साल बचा था, 2 साल बचे थे, आप बैंक के पास गए, साहब ये 1 लाख रुपए मेरे से ले लीजिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, 1 लाख मुझसे ले लीजिए, मैं लोन चुका। वो बोले साहब ऐसे नहीं, आपको 3%, 4%, 2% प्रीपेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट बनती है। यानी आप लोन चुकाना चाह रहे हैं लेकिन लोन चुकाते समय भी बैंक क्या, हालांकि इसके अपने लॉजिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको प्रेरित करेंगे कि जहां तक संभव हो पर्सनल लोन न ले। और फिर भी सर यदि आपकी बहुत जेन्युइन नीड है तभी आप पर्सनल लोन लें, और लेते समय इन बातों का विचार रखें। अब दोस्तों आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला रख रहा हूं, जो मैंने शुरू में जिसका संदर्भ लिया था कि क्या पर्सनल लोन पर दिया गया ब्याज आयकर कानून में कटौती योग्य होता है क्या। मान लीजिए आपने एक पर्सनल लोन लिया 3 लाख का, आप उसकी हर महीने की 6,000 रुपए की किस्त चुका रहे हैं, तो आपने एक साल में 78,000 रुपीज का, से फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 12, 72,000 रुपीज का आपने ब्याज दिया। उस 72,000 रुपीज के ब्याज में से 40,000 रुपीज इंटरेस्ट का कंपोनेंट है। तो आपका मुझसे क्वेश्चन आया, अनूप जी क्या ये इंटरेस्ट जो हमने 40,000 रुपीज का दिया, ये मेरी टोटल इनकम कंप्यूटेशन में कम होगा। सर पहली बात, ये पर्सनल लोन है, पर्सनल पर्पज में काम आया, भारत सरकार इसका डिडक्शन नहीं देगी। यानी मैं भी बोलूंगा नहीं सर, इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं अपने आंसर को पलटूंगा, मैं बोलूंगा हाँ 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 कुछ विशेष परिस्थिति में सर मिल भी सकता है। कब? जैसे लोन का व्यावसायिक प्रयोग, आपने पर्सनल लोन लिया, पैसे को बिजनेस में लगाया। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि बिजनेस में कहीं भी उतार चढ़ाव हुआ और पर्सनल लोन की किस्त बिगड़ी तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपने लोन को जेन्युइनली पर्सनल लोन को बिजनेस पर्पज में यूज किया है तो आपने जो इंटरेस्ट दिया है आप उसका इनकम टैक्स की बिजनेस इनकम कंप्यूटेशन में डिडक्शन ले सकते हैं। मकान निर्माण हेतु प्रयोग, मैं फिर कहूंगा सर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में एक्विजिशन में आपको होम लोन ही लेना है, लेकिन आपने अगर मान लीजिए पर्सनल लोन लिया क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड थी, तो ऐसी परिस्थिति में आपने पर्सनल लोन लेकर के अगर रीपेमेंट किया है तो उस इंटरेस्ट का भी डिडक्शन लिया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मेरी इस राय से हो सकता है ताल्लुक न रखें, लेकिन मैं अगर ये प्रूव कर पाऊं कि मैंने पर्सनल लोन को मकान कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन में यूज किया है तो मेरी ओपिनियन है यस सर, दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट कैन बी क्लेम इन कंप्यूटिंग द हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ द असेस। अचल संपत्ति क्रय, तो मान लीजिए आपने कोई प्लॉट ऑफ लैंड लिया और प्लॉट ऑफ लैंड लेते समय आपने कोई पर्टिकुलर पर्सनल लोन लेकर के कोई पीस ऑफ लैंड लिया और आपने कुछ साल तक उसका ब्याज दिया, बाद में आपने वो प्रॉपर्टी बेची, तो इस दौरान जो आपने इंटरेस्ट दिया, मेरी ओपिनियन है यस सर दैट इंटरेस्ट कैन ऑल्सो बी क्लेम एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग योर कैपिटल गेन इनकम। तो ये सर कुछ ऐसे विशेष पक्ष हैं जब आपको पर्सनल लोन का इंटरेस्ट क्लेमेबल हो सकता है इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन। पर प्राइमर फेसा या आंसर आपको मेरा ध्यान रखना है कि सर पर्सनल लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों आई होप कि पर्सनल लोन के संदर्भ में बनाई गई ये वीडियो आपको जनरली हतोत्साहित करेगी कि आप पर्सनल लोन ना ले, क्योंकि पर्सनल लोन है ना, हालांकि कुछ लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, वो कहें कि साहब आप तो इंडिया में क्रेडिट ऑफटेक को कम करना चाहते हो, मेरा ये पर्पज नहीं है सर, मेरा जुड़ाव जनता के साथ में है और मैं मानता हूं कि जनता को जिस चीज से नुकसान हो आप उसे अगर बचाएंगे तो आप अपने देश का उत्थान करेंगे, देश के विकास में सहभागी होंगे। और मैं मानता हूं सर कि बहुत से लोग जो डिप्राइव्ड ऑफ हैं, जिनके पास में साधन नहीं है, वो इन पर्सनल लोन के कुचक्र में पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही पर्सनल लोन इनजेन्युइन है, लेकिन जहां तक हो सके मेरा पुनः सजेशन है कि पर्सनल लोन लेने से आप बचें। और यदि आप पर्सनल लोन लेते हैं तो मैंने जो फैक्टर्स आपके सामने रखे आप उनका ध्यान रखें और बैंक से जितना हो सके बेस्ट नेगोशिएट करें, इंटरेस्ट रेट के लिए है ना, आपके टेन्योर के लिए, आपके प्रीपेमेंट चार्जेस के क्लॉजेस के लिए, आपकी प्रोसेसिंग फीस के लिए, ताकि आप जो भी आपको आर्थिक नुकसान है उसको मिनिमम कर सकें।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।